नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हम सभी जो है वो आईपीएल देखते हैं और हमको जो है ऐसे में पता है कि जो इंग्लैंड के खिलाड़ी है वो हर बार आईपीएल का सीज़न बीच में ही आधा छोड़ के अपने देश वापस चले जाते हैं। तो दोस्तों, क्या ये साल भी ऐसा ही होगा? इंग्लैंड के खिलाड़ी क्या ये साल आईपीएल का पूरा सीज़न खेलेंगे या फिर से ही आधा सीज़न छोड़ के अपने देश वापस चले जाएंगे? तो दोस्तों, ये वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आपको ये वीडियो में बता दूंगा कि इस बार के इंग्लैंड खिलाड़ी क्या करेंगे। दोस्तों, इस बार के इंग्लैंड के खिलाड़ी जो कि ऑक्शन में गए हैं, जो रूट, बेन स्टोक्स, डेविड विली, जॉस बटलर, मोइन अली जैसे बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी इंग्लैंड के ऑक्शन के अंदर गए हैं। तो दोस्तों, क्या ऐसे में भी इस बार इंग्लैंड के खिलाड़ी वापस चले जाएंगे? तो दोस्तों, आप सबको बता दूँ कि जो इंग्लैंड है और पाकिस्तान, यानी कि इंग्लैंड वर्सेज पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज खेली जानी है, जो कि मई के लास्ट वीक में चालू होगी। मतलब कि दोस्तों, 24 मई से इंग्लैंड और पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज़ खेली जानी है, जिसके लिए जो है इंग्लैंड के जो भी टेस्ट खिलाड़ी है केवल वो ही अपने देश वापस जाएंगे। इसका मतलब साफ है दोस्तों, केवल जो उनके इंग्लैंड के कप्तान है जो रूट ही अकेले ऐसे खिलाड़ी है जो अपने देश वापस जाएंगे, क्योंकि इंग्लैंड को जो है वो पाकिस्तान से टेस्ट सीरीज़ खेलनी है 24 मई से। तो दोस्तों, इसका मतलब साफ है, सरल है कि जो बाकी के जितने भी इंग्लैंड के खिलाड़ी है, बेन स्टोक्स, जॉस बटलर, जेसन रॉय जैसे जितने बड़े बड़े खिलाड़ी है, वो ये साल का आईपीएल सीजन पूरा खेलेंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, जितने भी इंग्लैंड के खिलाड़ी है केवल जो रूट को छोड़ के वो इस बार का आईपीएल सीजन पूरा खेलेंगे, बीच में छोड़ के नहीं जाएंगे। दोस्तों, 13 जून से इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे सीरीज़ खेलनी है, लेकिन उसके पहले जो है वो आईपीएल ख़त्म हो जाएगा और जो मई के 24 तारीख है वहाँ पर इंग्लैंड को केवल पाकिस्तान से दो टेस्ट सीरीज़ खेलनी है। इस सीरीज़ में वनडे के मैचेस नहीं है। तो दोस्तों, जितने भी इंग्लैंड के खिलाड़ी है इस बार केवल जो रूट को छोड़ के वो ये साल का सीज़न पूरा खेलेंगे और ये आईपीएल के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि जो बेन स्टोक्स है, बेन स्टोक्स को अभी तक इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने नेशनल साइड में सिलेक्ट नहीं किया है। इसका मतलब साफ है, बेन स्टोक्स भी ये साल का आईपीएल सीज़न पूरा खेलेंगे। दोस्तों, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के सीरीज़ में केवल दो टेस्ट सीरीज़ के मैचेस हैं, इस सीरीज़ में वनडे के एक भी मैचेस नहीं है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट क्रिकेट और आईपीएल की खबरें सुनने में रुचि है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद जो मैं घंटी दिया है उसको ज़रूर याद से दबाइए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।